नमस्कार मित्रों, संतोष ही ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम ओबरा सोनभद्र का दृश्य दिखाएंगे और भूतेश्वर दरबार पहाड़ी गुफा ओबरा सेक्टर 3 हम सही परिवार के साथ इस मंदिर का दर्शन करने आए हुए हैं। माँ हमारे साथ में है और यहीं पे मेला का भी आयोजन होता है और काफ़ी संख्या में भीड़ लगती है यहाँ पे और सभी अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि मेला का आयोजन होता है और सावन में शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। भूतेश्वर दरबार ओबरा बहुत ही लोकप्रिय जगह, हजारों वर्षों से यह पहाड़ी गुफा में अवस्थित है। यहाँ सेक्टर 4 में गांधी मैदान के पास हमारा क्वार्टर है, जहाँ हम रहते हैं सेक्टर 4 में, और यहीं हम पूरे परिवार के साथ अभी आए हुए हैं दर्शन के लिए। दूर दराज से भोजपुरी कलाकार बिरहा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ कम पंक्तिबद्ध बच्चे लाइन में लगे हुए, मयंक बाबू, आर्यन बाबू और दो बच्चियों के साथ पूजा अर्चना में लाइन में लगे हुए हैं। बाबा भूतेश्वर गुफा के सामने ओबरा सोनभद्र। ठीक इस मंदिर गुफा के पश्चिम ओर सीढ़ियों से बना हुआ रास्ता जो पहाड़ के ऊपर जाता है, और यहाँ हम इस पहाड़ी इलाके पे इन सीढ़ियों द्वारा पहुँचे हैं। और जो देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी घना पत्थर पहाड़ से भरा हुआ यह वो क्षेत्र है, और ठीक सामने ओबरा पावर हाउस भी दिख रहा है। आर्यन बाबू आराम से ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद एक गुंबद बना हुआ है और वहाँ पे शेड टाइप का है, शेड के पास हम खड़े हैं और चलेंगे हम दूसरी तरफ उस पहाड़ी गुफा की ओर, जहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पे, और ये ऊपर का दृश्य यहाँ से ओबरा के सारे क्वार्टर्स, गांधी मैदान और बाजार सारा दिखता है। रेलवे स्टेशन, बिल्ली जंक्शन, ओबरा डैम यहाँ से दिखता है। बहुत ही मनमोहक दृश्य, पहाड़ की चोटी पर आर्यन बाबू, मयंक बाबू अपने दोस्तों के साथ विराजमान हैं। सभी बच्चे मस्ती करते हुए, और अभी हम यहाँ से चलेंगे पानी टंकी के बगल से एक रास्ता है और उतर करके हम चलते हैं दूसरी पहाड़ी पर, जहाँ पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है। ये वो स्थल है जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में दूर दराज के लोग घूमने आते हैं। शांत सा माहौल लगता है यहाँ पे, ऊंची पहाड़ों पे, पहाड़ों की तराई में बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य।
और हम चलते हैं इस तरफ सेक्टर 3 पीछे ओबरा डैम का दृश्य यहाँ पे, और इस तरफ आप देखेंगे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, पावर हाउस भी दिख रहा है। ओबरा सोनभद्र बड़ा ही मनोहर, मन को मोहने वाला जनपद है सोनभद्र। यहाँ काफ़ी संख्या में ऐतिहासिक स्थल जुड़े हुए हैं, हम अगले वीडियो में यहाँ के इतिहास को दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।